मुँह से निकलते ही हर इच्छा होगी पूरी। 100 वर्षों बाद 24 जून को योगिनी एकादशी 7 राशियों की लगने वाली है लॉटरी। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने और व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी तिथि 23 जून की रात्रि 9:41 पर शुरू होगी और 24 जून की रात्रि 11:12 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और व्रत का पारणा 25 जून को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 25 जून की सुबह 5:41 से सुबह 8:12 तक पारण के दिन हरिभाषा सुबह 5:41 पर समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार योगिनी एकादशी शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है और एकादशी तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इसलिए शुक्रवार के दिन एकादशी आने से इसका महत्व और कई अधिक गुना बढ़ गया है। साथ ही साथ इस दिन योगिनी एकादशी के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग और शुभ योग का निर्माण होने से यह दिन और भी ज़्यादा खास हो गया है, जिसके कारण माता लक्ष्मी कृपा से कुछ विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। कुछ विशेष राशियों के ऊपर अब धन की देवी माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस दिन इनकी पूजा आराधना जरूर करें। खास बात तो यह दोस्तों कि 24 जून को योगिनी एकादशी और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और शुभ योग और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन पढ़ने से कुछ खास संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों के बनने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा इन 7 राशियों पर पड़ने जा रही है। इन 7 राशियों की अब किस्मत चमकने वाली है, इनकी लॉटरी लगने वाली है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसने वाली है, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के आपको आपको बता दें कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार हो या फिर कोई भी व्यापारिक क्षेत्र हो, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। आय में वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपके जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा और आपको धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगे। साथ ही साथ बता दें कि रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। लॉटरी सट्टा में भाग अजमाएंगे तो जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको इसमें लाभ होगा। अब अगली यानी जो राशि आती है दूसरी, वो है यहाँ पर दोस्त बता दें वृषभ राशि। वृषभ राशि की आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत तेज़ी से चमकेगी। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा। धन संपत्ति में इजाफा होगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। रुका व फंसा व धन प्राप्त होगा। धन संपत्ति में इजाफा होगा। कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। अब अगले यानी जो तीसरी जो राशि आती दोस्त बता दे, वो यहाँ पर सिंह राशि। सिंह राशि के आपको बता दें कि अब माता लक्ष्मी कृपा से इस बार की इस योगिनी एकादशी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बनने से अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से आपको आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, धन संचय कर पाएंगे, मुनाफा तेजी से बढ़ेगा, साथ ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक क्षेत्र से कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी करेंगे। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा। जो कार्य काफ़ी दिनों से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। आमदनी के जरिए बढ़ जाएंगे और आपके पैसे की जो स्रोत है वो भी बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन जीने का मौका मिलेगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। घर में सुख समृद्धि छाई रहेगी। अब अगली यानी जो चौथी जो राशि है वो है कन्या राशि।
कन्या राशि के को बता दें कि आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा, धन संपत्ति में इजाफा होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभ मिलेगा। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। संतान प्राप्ति के रूप में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जीवन साथी से आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां बरसेंगी। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लव पार्टनर कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे और घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं करेंगे। विदेशी कंपनी से लाभ होगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी आमदनी के जरिए बढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि अगली यानी जो पाँचवीं जो राशि आती है वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि के आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत तेज़ी चमकेगी। 24 जून को इस योगिनी एकादशी के दिन पड़ने से और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के बनने से इस बार की यह योगिनी एकादशी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। बता दें कि अगर आप कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम बहुत बेहतर होंगे, उसका रिजल्ट आपको बेहतर आएगा। बड़े संस्था में दाखिला ले पाएंगे। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश की यात्राएँ कर सकते हैं। विदेशी संस्था यानी विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। बड़े संस्था में आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें दूर होंगी और आपके घर परिवार में भी सुख समृद्धि छाई रहेगी। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में वैवाहिक जीवन होगा और सुख यानी कि सुख साधनों में वृद्धि होगी। गाड़ी वाहन की खरीदारी, नए घर भवन का निर्माण, अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा। जो कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी। अब अगली यानी जो छठवीं जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है मीन राशि। मीन राशि के आपको अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी सट्टा में आजमाएंगे भाग तो विशेष लाभ होगा। धन से मालामाल बन सकते हैं। धन संपत्ति में इजाफा होगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। मार्केटिंग क्षेत्र में जबरदस्त लाभ होगा। लॉटरी सट्टा में भाग आजमाएंगे तो आपको दुगुना धन लाभ होगा। जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा। किस्मत और भाग्य का साथ मिलेगा। धन से मालामाल बन सकते हैं। करोड़पति बनने के कई सुनहरे मौके मिल सकते हैं। माता लक्ष्मी कृपा से आपका जो धन है वो इसमें बढ़ेगा और आपको बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों सातवीं, वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि का आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत तेज़ी से चमकेगी। आमदनी के स्रोत तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ लॉटरी सट्टा में विशेष लाभ होगा। लॉटरी लगने की संभावना 100% बन रही है। बता दें कि किस्मत चमकने से आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य सातवीं आसमान पर रहेगा। किस्मत चमकने से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही धन संपत्ति में इजाफा होगा। व्यापारिक क्षेत्र में लाभ होगा। जो कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लाभ भी देखने को मिलेगा। हर संभव इसमें जो भी प्रयास करेंगे सफलता कदम चूमेगी। बता दें कि माता लक्ष्मी कृपा से इन सात राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन सात राशियों की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और धन संबंधी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। अनेक जगहों से इनको धन का लाभ होगा और साथ ही साथ धन संपत्ति में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में इन्हें मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माता दी। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता लक्ष्मी।